आज नहीं गए आप काम पर? बस वहीं जा रहा हूँ। मुझे कोई काम तो नहीं है आज, बस बाजार जाना है। अगर काम नहीं है तो बाजार जाकर क्या करोगे? वादा किया है मसूद आगा से, एक अमानत भिजवानी है अदालत तक, बस वो पहुंचा दूं। ज़ाहिदा खातून, आपके लिए परेशान थे हम। इजाजत दीजिए मुझे। इजाजत तो हमें दीजिए, पिछली बार आपका शुक्रिया ही अदा नहीं कर सके हम। बताइए ना, आपका शुक्रिया हम कैसे अदा करें? बेचने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है घर में। अक्ल रखते हो तो अक्ल इस्तेमाल करने वाले काम भी करो, और हमारी तरह जाहिल रहे तो यूं ही छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे आलमापंदी। आपने बुलाया था खानम? आ जाओ। ये अभी तक गीले ही हैं, सूखे नहीं, बादल जो छाए हुए हैं। सरदार कहाँ है इस वक्त? बागीचे में थे, वो तो यूनुस अफंदी से बात कर रहे थे। आप कहें तो देखा उन्हें। नहीं, रहने दो। माफ कीजिएगा, मैं भूल गई थी, याद ही नहीं रहा। क्या भूल गई हो? यूनुस अफंदी का जिक्र हुआ तो मुझे याद आया। क्या है ये? यूनुस अफंदी ने दिया, बासिम सुल्तान से मंगवाया था आपने। मैंने मंगवाया था? ऐसा कब हुआ? शायद आप मंगवा कर भूल गई। हरगिज नहीं। क्या मैं पहले की तरह साल में एक बार मिलती हूँ? कल ही तो गई थी उनके यहाँ, मैं क्यों मंगवाऊंगी कुछ भी? तुम्हारे ताया जान के घर से खबर आई है, हुरम के लिए रिश्ता आया है। कहां से आया है? बच्चे एक बहुत बड़ा ताजिर है वो। अल्लाह जल्द शादी करवाए उनकी। छोटी है तुमसे। उम्मा बराबर है। बच्चे वो सर्दी के मौसम में पैदा हुई थी, और जब तुम पैदा हुई तो फसल कटने के दिन थे, खिजां का मौसम था। साल तो एक ही होगा, मगर वो तुमसे छोटी है। मैं खाना पकाने के लिए आग जला लेती हूं। इस तरह हाँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल, क्या हुआ, तुम ठीक हो? कैसे हो आदम अफंदी? ठीक हूं। चलो आओ। तो मतलब तुम्हारी और मेरी दोस्ती यहां खत्म हुई? कोई वजह बताए बगैर नाराज हो गए और मुंह फेर लिया। तो और क्या करूं मैं, अच्छी दोस्ती निभाई है आपने। हुआ क्या है, मुझे भी तो पता चले, बताओगे नहीं मुझे? आप हमेशा यही कहते थे ना, किसी सूरत किसी जानदार पर जुल्म नहीं करना चाहिए, ताकतवर का नहीं बल्कि जो हक पर हो सिर्फ उसका साथ देना चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल, क्या हमने कुछ गलत कहा? कहने की क्या जरूरत, आप तो कर चुके हैं। क्या कर चुका मैं? अतार को मुश्तकीन के बाबा की चक्की खरीदने के लिए आपने दबाव नहीं डाला था उन पर सरदार के साथ? रुको जरा, जो कहना चाहते हो साफ साफ अल्फाज में कहो मुझसे। इतना अनजान क्यों बन रहे हैं आप? फतेह चाचा को मजबूर नहीं किया क्या आपने जानदार ओगलों के साथ मिलकर? फतेह आफंदी, गुमुश्तगीन पीर भाई के बाबा हैं क्या? और नहीं तो क्या, मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी ये बात और अपनी आंखों से देखी थी। यहाँ पर हर एक को पता है ये बात। बताएंगे मुझे कहाँ लिखा है कि एक नादार शख्स को मजबूर किया जाए वो अपनी जायदाद फरोख्त कर दे? कहीं नहीं, कहीं पर नहीं लिखा। इसका जल्द ही कोई हल निकल आएगा। अल्लाह या अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह।
बैठ जाओ यूनुस, बैठो। किताब कहती है कि शैतान से मिलकर अल्लाह को धोखा न देना। शैतान इंसान को उसकी पसंदीदा तरीन चीज के जरिए जाल में फंसाता है, सोने के प्याले में जहर देता है। तुम खानखा में हो या फिर तुम मक्का में हो, वो आराम से कतन नहीं बैठेगा। वो आखिर खानखा वाले को खानखा में और मक्का वाले को मक्का में पकड़ ही लेगा। यही तो काम है शैतान का। अगर शैतान अपना काम कर रहा है तो इंसान को अपना काम करने से रुक जाना चाहिए क्या? तुम मजबूती दिखाओगे तो वो किसी दूसरी जगह से हमला करेगा। तुम उसे एक महाज पर पस्पा करोगे तो वो तुम पर दूसरा महाज खोल लेगा। वो तुम्हारी राह में खुशनुमा जाल बिछाता ही रहेगा। चलो आगे बढ़ो यूनुस, कश्ती चलाते रहो। तुम आगे बढ़कर दरिया पार कर लो यूनुस। मैदान में सिपाही खत्म हो जाए तो जंग खत्म हो जाती है, मगर इंसान और उसके नफ्स के दरमियान जंग कभी भी खत्म नहीं होती, हत्ता के आखिरी सांस ना आ जाए। हाँ तो यूनुस, सियाने यूं ही तो नहीं कहते, ये राह बाल से बारीक और तलवार से तेज है। क्या है इसके मानी? हम हमेशा कहते हैं ना, आतश में जलना और पानी में डूब जाना। मैदान में लड़ी जाने वाली जंग का इंसान के अंदर होने वाली जंग से क्या मुकाबला? यूनुस, तुम तो अजीम करताई मदरसे से इल्म हासिल कर चुके हो। हदीस में और अरबी में तुम्हें इतनी महारत है कि ये अनपढ़ बूढ़ा भला तुम्हें क्या बता सकता है? अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा तो फिर इसे जाहिल ही समझ लो। अस्तग़फिरुल्लाह। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, तो गोया जिहाद अकबर अपने नफ्स के साथ लड़ना है। नफ्स को शिकस्त दे सकते हो तो जंग के मैदान में बेईमान दुश्मन क्या चीज है? सबक हासिल करना चाहिए हमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से। एक दिन जंग के मैदान में हजरत अली एक काफिर का सर कलम करने ही वाले थे कि उसने उन पर थूक दिया। देखते ही हजरत अली ने उस काफिर को जाने दिया। सबसे पहले हम अपने नफ्स को शिकस्त देंगे, उस पर गालिब आना है हमें। काफिरों से जंग का मरहला तो बात की बात है, इसलिए चले जाओ। अगर मुझ पर थूकने की वजह से मैंने तुम्हें कत्ल कर दिया तो ये मेरे नफ्स का काम होगा। सोचो जरा यूनुस, एक ऐसी फौज जिसका हर सिपाही अपनी अंदरूनी जंग पर गालिब आया हुआ हो, उसके लिए हर जगह जंग का नहीं बल्कि हकीकत का मैदान होगा। ये हकीकत का मैदान है यूनुस। इस मैदान में एक चींटी भी हाथी पर चढ़कर उसे जमीन बोस कर सकती है। तो फिर हजरत पैगंबर का उम्मती होने के नाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेकामत और नियत भी हजरत अली की तरह होनी चाहिए ताकि उनकी राह पर चल सकें। हजरत अली की राह पर चलना आसान होगा क्या यूनुस? इस राह पर मुश्किलें तो आएंगी ना। तुम जानते हो यूनुस, तस्बीह के इन दानों में भी इमाम होता है। मत भूलो यूनुस, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तक जो रास्ता न जाए वो किसी बंद गली की तरह है। हमारी राह बखैर हो, और काश ये राह हमें हजरत अली तक ले जाए।
चलो अपने बिस्तर पर जाओ, अब तो सुबह होने वाली है। काम के लिए आराम जरूरी है। अरे ठीक से पकड़ो, कहीं हमी पर ना गिर जाइए। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है खैरियत से होंगे पीर भाई। अल्लाह आपके पकाए हुए खाने में बरकत फरमाए। बहुत शुक्रिया कासिम आगा, इंशाल्लाह। अपना काम जारी रखें, मैं बस एक नजर देखने आया था कि पीर भाई क्या कर रहे हैं। खुश आमदीद यूनुस अफंदी। खुशामदीद यूनुस अफंदी। शुक्रिया आपका सरदार। लोहार बहुत ही माहिर है अपने काम का, बस फितरत कुछ बागी है उसकी। ठीक कहा ना मैंने? जब उससे अच्छी तरह बात की जाए तो वो हकीकत कबूल करने वाला इंसान है। ठीक कह रहे हो यूनुस अफंदी, बिल्कुल ठीक। हर किसी को अलग जुबान समझ में आती है। ये आम लोग तो सरदार की जुबान समझ नहीं सकते, इसलिए हमें उनकी जुबान समझनी और बोलनी होगी। उस बूढ़े चक्की वाले को ही देख लो। मैं सोच रहा हूं सरदार, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा इंशाल्लाह। ऐसी कोई गिरा नहीं जो ना खुल सके। खुल सकती है यूनुस अफंदी, बिल्कुल खुल सकती है, लेकिन भूख से गिरा नहीं खुलती, चराग बुझता है। अब आपको जहमत नहीं देंगे, हम ये मसला हल कर चुके हैं, वो भी उसी की जुबान में। समझा नहीं सरदार,
आपकी हर पेशकश को रद्द कर दिया था फतेह अफंदी ने, तो फिर उसने कैसे अचानक अपना फैसला तब्दील कर लिया? हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है यूनुस अफंदी, किसी के लिए दौलत और किसी के लिए ओहदा और किसी के लिए औलाद। हम दरगाह में भले ना रहे हो, लेकिन जानते हैं मामला सुलझाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मालूम है हमें इंसान असल में है क्या, कमजोरियों का मजमूआ। कहता था कुछ नहीं चुरा और हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। आज तुम्हें हम देखते हैं आदम अफंदी। पीर वली कहाँ है वो? आसिम अफंदी आदम अफंदी की तलाश में हैं दोस्त, क्या आप इन्हें ठीक है? ठीक है, रहने दो, या अल्लाह सबर अता कर मुझे। चलो अब इस थैले को काठी पर डाल दो आदम अफंदी। आ जाओ कासिम, आओ आ जाओ। खैर तो है कासिम? खैर है शेख मोहतरम, खैर है। शर था मगर उसका अंजाम खैर हुआ। झूठ की शमा कभी ज्यादा देर नहीं जलती आदम अफंदी। इसकी चोरी देखने के बाद मेरी नजरें इसी पर थी शेख मोहतरम। इसे आजमाने के लिए मैंने अपनी अंगूठी एक जगह रख दी और उसके बारे में सिर्फ इसे ही पता था। मैंने नहीं चुराई है। कभी तो सच बोल दिया करो आदम अफंदी। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं कासिम अफंदी। अगर आदम अफंदी कहते हैं कि नहीं चुराई तो फिर नहीं चुराई होगी कासिम। ये झूठ बोल रहा शेख। हम किसी की सिफात को नहीं बयान को देखते हैं। अगर आदम अफंदी कहते हैं कि उन्होंने नहीं ली तो नहीं ली उन्होंने। अरे शुक्र है कि हम फिर मिल गए। कहाँ रह गए थे गधे मियाँ? आओ 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 इधर आओ। अरे आओ आओ। तुम कहते थे ना आदम के काठी का क्या काम जब गधा ही नहीं है। ये देखो काठी का मालिक आ गया। तुम्हें ये गधे मियाँ याद है ना कासिम? शायद इसका मालिक नहीं है शेख मोहतरम। ऐसी भी कोई चीज है जिसका कोई मालिक ना हो कासिम? हत्ता के आतशदान की राख का मालिक भी मौजूद है तो क्या गधे मियाँ का नहीं होगा? अगर तुम्हारा कोई डर नहीं है तो आ जाओ हमारे फकीर खाने पर। हमें अभी और भी काम है गधे मियाँ। चलो अब हम चलते हैं। याद है मुझे, याद है मुझे शेख, मगर मगर इसका इस जगह पर आ जाना। हाँ खासा इंतजार करवाया इसने, मगर खैर ही थी इसमें। हमने इस अरसे में दर्जन भर मजीद चमचे तैयार कर लिए। पानी पी लिया इसने सरूजान? जी पी लिया। अच्छा चलो फिर काठी डालो और हाँक दो बाजार की तरफ, ताकि ये चमचे और कफगीर फरोख्त करके वापस आ जाए हमारी तरफ। इसे खोल दो सुरहाना अफंदी।
चलो भैया, अगर कोई पैसे दिए बगैर हमारे चमचे उठा ले उसे जाने ना देना हरगिज। इजाजत दीजिए शेख मोहतरम। जब शाम में ये वापस आए तो पानी और चारा तैयार रखना, हमें इसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जैसा आप कहे शेख मोहतरम। अच्छा चलो फिर। और अगर वापस ना आए तो? आएगा, जरूर आएगा। हमने इस पर एक बार भरोसा किया था और देखो वो आ गया था। अगर वो एक बार वापस आ गया तो हर बार वापस आएगा। भरोसे की कीमत नहीं होती, जो एक बार आता है हर बार आता है। कलील कसीर की दलील होता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यूनुस अफंदी। मुझे कुछ बात करनी है पीर भाई। आए। फतेह चाचा कैसे हैं? आपको उनकी फिक्र कब से होने लगी यूनुस अफंदी? सरदार ने क्या कहा? दानिशमंद तो आप हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। अगर मालूम होता तो पूछता। हमारी क्या हैसियत कि हमें जानदार ओगलो अपने सामने बुलाए और हमसे बात करे यूनुस अफंदी? बाबा गुदम की सरदार के नायब सरियागा ने दी है, या तो चक्की बेच दो या अपने बेटे की दुकान बर्बाद करवा लो। उन्हें इस बात का डर हरगिज नहीं था कि हक अपनी जगह खुद ही बना लेता है, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हम कहां जाकर दुहाई देंगे यूनुस अफंदी? कानून से कानून की शिकायत करें क्या हम? अदल किससे मिलेगा बताएंगे हमें? अदालत सरदार के दायरा इख्तियार में नहीं है, जिसे वो अपनी मर्जी से चलाएंगे। रुको, बात सुनो जरा, रुको। तुम अपनी दुकान का माल कहां से खरीदते हो? अनकरा से। ठीक है फिर, सुनो, अब तुम फौरन अनकरा के लिए रवाना हो जाओ, अपनी दुकान का माल खरीदने। लेकिन वो क्यों? पता चल जाएगा। फिलहाल जो कहा बस वैसा करो। अब चलो जल्दी करो। Thank you.
तुम बहुत दफा बच चुके हो आदम अफंदी, मगर महारत हमारे शेख मोहतरम के बकौल उड़ने में नहीं उतरने में है। यकीनन काफी अच्छी जगह छुपाया है तुमने, हमें भी ऐसी कोई जल्दी नहीं, देखते हैं तुम कब नीचे उतरते हो। ये लो इस्माइल आगा। इसकी जरूरत नहीं है शाहीन आगा। ले लो, तुम तो हमारी अमानतें पहुंचाते ही रहते हो, आजकल कोई पैसों के बगैर काम नहीं करता। मुझे नहीं चाहिए शाहीन आगा, अगर मैं ये काम पैसों के लिए करता तो क्या इतने पैसों के लिए कर रहा होता। ठीक है, तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं, जब जरूरत हो लेने आ जाना। ये हुई ना बात, क्योंकि हलवाई ये रोज बातों से नहीं पैसों से देता है मिठाई। चले इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आपका दिन बखैर हो अली चचा। तुम्हारा भी इस्माइल जान। यूनुस आगा, जुब्बा तो बहुत शानदार है आपका। हाँ मालूम है मुझे। अब हाथ कैसा है? बेहतर है। यहाँ रुको जरा, एक काम करना है तुम्हें। पूरे बाजार में एक भी शख्स नहीं जिसे इस्माइल से काम ना हो यूनुस आगा। हाँ मैंने सुना है कि सब कहते हैं इस्माइल किसी को इनकार नहीं करता। मेरी बात गौर से सुनो। अपना ध्यान यहां रखो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना है तुम्हें। इंतजार मत करना मेरा, यहां से कब जाऊंगी पता नहीं। करीब में कोई काम है तो वो कर लो, वरना हवेली चले जाओ। मगर तुम फिक्र ना करो, अगर मुझे जाना होगा तो यहां से ही कोई ना कोई दरगाह के तांगे में हवेली छोड़ आएगा। जैसा आपका हुक्म। बच्चे बाहर जो मिर्चें रखी हैं वो ले आओ। जी अम्मा। साहिदा बच्चे चमचा चलाओ, खाना जल जाएगा। बासिम। अरे साहिदा तुम आई हो, खुश आमदीद। नमाज के लिए वजू कर रही थी मैं। अल्लाह कबूल करे। चलो अंदर चले। आयगुल नहीं आई क्या तुम्हारे साथ? नहीं, वो कामों में मसरूफ थी। अच्छा, लंबे सफर से आ रही हो, यकीनन भूख लगी होगी। तकल्लुफ मत करो, साथ में ही खा लेंगे खाना। यूनुस अफंदी के हाथ तुमने कुछ भिजवाया था जो मैंने मंगवाया था? नहीं, तुमने नहीं मंगवाया था, मैंने खुद भेजा था। खामखा जहमत की।
जहमत की बात हो सकती है क्या आपनों के लिए कुछ करना? मैंने तो कुछ भी नहीं किया जितना तुमने किया है हमारे लिए। हाँ काश और भी कर सकती। काश मैं किसी और तरह हवेली पहुंच पाती। देखो जरा कैसी जहमत में डाल दिया है मैंने यूनुस अफंदी को। इतना मत सोचो, यूनुस अफंदी बुरा नहीं मनाएंगे। बासिम सुल्तान ने यूनुस आगा को क्यों बुलवाया था? मैंने पूछा नहीं कासिम आगा। जानता हूं मैं तुम्हें, तुम्हें क्या किसी से पूछने की जरूरत है? सही से नहीं पता लेकिन मुझे कुछ अंदाजा तो है बात का। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो खातून? ये कैसा रवैया है बताओगी? जरा सा भी एहसास है तुम्हें जाहिदा? कोचवान को वापस भेजकर इतनी रात में तुम अकेली वीर फुकरा के साथ कैसे सफर कर सकती हो? बताओ मुझे।